नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? सभामत बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उसको स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब सकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू में हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है, जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं, मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर, उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हालचाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे? जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना, अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। Z News.